टाइम बड़ा खराब चल रहा है. जैकलीन आई हुई थी, जैकलीन फर्नांडिस, उनको पैसे चाहिए थे. मेरे पास सिर्फ 10,000 ही था, उसमें से भी 8,000 मांग लिया. यार एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा मूड ऑफ है, क्योंकि आज हमारे सिद्धू साहब की तबीयत ठीक नहीं है. सिद्धू भाई जी, गेट वेल सून, वी आर मिसिंग यू. पर अपने मूड को ठीक करने के लिए हमने हमारी एक पुरानी साथी जो हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया है. आप सब उनको बाखूबी जानते हैं. लाफ्टर की दुनिया में इनको लाफ्टर क्वीन के नाम से जाना जाता है. इनका लाफ्टर सुन के पागल भी हो सकता है आदमी. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम अर्चना पूरन सिंह. तुमने पुकारा और हम चले आए. सो स्वीट. हमारा इतने सालों का पुराना रिश्ता है. हमने इसी चैनल पर इतने सारे शो साथ में किए. आप आज आई हैं, आपको देख के ऐसा लग रहा है मेरे पंजाब से ताऊ जी आए हैं. चाहे हमारी बातें अच्छी होती थी नहीं होती थी, हमेशा पूरी पूरी रात जाके हम लोग शूट करते थे. और आज आपको दोबारा यहाँ पे देख के बहुत खुशी हो रही है अर्चना. प्लीज वेलकम. आज ये सिंहासन आपका है. थैंक यू. अच्छा, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, अर्चना जी का और सोनी टीवी का बहुत पुराना रिश्ता है. मतलब सेट मैक्स पे सूर्यवंशम और सोनी टीवी पे अर्चना जी को आने दे, कोई नहीं रोक सकता. ये सोनी टीवी के किसी भी शो में जाके बैठ सकती हैं. सोनी टीवी के जहां जहां शोज चल रहे हैं ये घूम के देखती रहती, कुर्सी खाली तो नहीं जाती. उस दिन तो इंडियन आइडल के सेट पे घुस गई थी. वो कहते मैडम आप यहाँ पे नहीं बैठ सकती, आपको गाना आता है. कहते अनु मलिक को आता है. कहते अरे उनको बजाना तो आता है. तो परमीत से पूछ के देखो मेरे हस्बैंड से, क्या बजाती हूँ मैं. शुरू हो गया फिर से. अच्छा यार, हम शो में कैसी कैसी बातें करते थे. अर्चना जी ऐसे बड़ा आइलैंड में रहती है ना, तो वहाँ पे बोट से आना पड़ता है. तो कभी कभी शूटिंग जल्दी होती है, ट्रैफिक बहुत होता है ना, तो बोट से आ जाते जल्दी पहुंच जाते हैं. तो बोट से आ रही थी तो बोट वाले ने बोला कि 20 रुपये मैम. कहती मैं तो पर्स घर ही भूल गई. कहता मैडम पैसे तो देने पड़ेंगे. कहती अभी रुको, उन्होंने पानी में छलांग मारी, पचक अंदर से 2 मछलियां निकाल लाई. ये लो 150 रुपये किलो, लाओ मेरे 130. मड आइलैंड के तो आपके किस्से भूलते ही नहीं है. हाँ. तो याद है आपको एक बार एक आदमी मोटर बोट पे जा रहा था. हाँ. तो ये जा रही थी दूसरी वाली किश्ती में, जो लकड़ी वाली होती ना, चप्पू चला के जाते हैं. एक ही चप्पू अकेली चला रही थी. तो मोटर बोट वाले ने बोला इतनी मशहूर हीरोइन और ये किश्ती में जा रही है. मोटर बोट वाला ऐसे बोल के चला गया. इनको आया गुस्सा, इन्होंने चप्पू फेंका, अंदर हाथ डाला, 2 मगरमच्छ निकाले, यूं घुमा के मोटर बोट से तेज चला के आगे निकल गई. ओह, पर आपसे एक चीज सीखी मैम, हालात कैसे भी हो दिल खोल के हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए. आपको आपको शायद पता हो ना हो, ये इतनी हसमुख है कि जब ये पैदा हुई थी अर्चना मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये इतना हंस रही थी, इतना हंस रही थी. बधाई लेने वाले आए, वो कहते 11,000 लेंगे हम. इनके माँ बाप कहते 1,00,000 ले जाओ इसको बस. आई एम सो हैप्पी टू सी यू मैम, आई लव यू सो मच. लव यू टू. तो अर्चना जी आज आप आई हैं तो आपके लिए हमने थोड़ा हैंडसम गेस्ट मंगवाए हैं. आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये हैं ए जेंटलमैन. ये सुंदर हैं, सुशील हैं और रिस्की भी हैं. प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड और मेरा दूसरा सच्चा प्यार, ऑलमोस्ट माय वाइफ, जैकलीन फर्नांडिस. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव. यू आर अमेजिंग. या मैंने जान डाल दी यार. जोरदार तालियां जैकलीन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए. सिद्धार्थ, जैकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. दोनों मेरे गले लगो. पहले जैकी, वेलकम वेलकम वेलकम. थैंक यू. तो इस खूबसूरत जोड़ी की फिल्म आ रही है ए जेंटलमैन. यस. सुंदर सुशील और रिस्की. बिल्कुल. और ये आदमी की ऐसी लॉटरी लगी है भगवान की दया से, जैकलीन के साथ रोमांस कर रहा है, वो भी डबल रोल में. और हमें मिलती है एक हग 3-4 महीने बाद, जब कोई फिल्म आती है 1-1.5 सेकंड के लिए, हम उसी में अपना पूरा साल निकाल देते हैं. तो असल में तो जेंटलमैन मैं ही हुआ ना.
अरे मेहनत भी बहुत कराती है यार, एक्शन, नाच, गाना, डांस, इनको सिर्फ सुंदर सुशील लड़का नहीं चाहिए। अच्छा, इनको थोड़ा और। एक्चुअली मुझे सिद्धार्थ जानना था, जो आदमी सुंदर है, सुशील है, वो रिस्की कैसे हो सकता है? क्यों नहीं, आफ्टर फ्यू विस्की। तो ए जेंटलमैन का ट्रेलर हम जब देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है बताइए, कि इस खूबसूरत बालिका को ऐसा लड़का चाहिए ही नहीं जो सुंदर सुशील हो। करेक्ट। जो 9 से 5 जॉब करता हो। आपको पता है, मैं भी कोई 9 से 5 जॉब नहीं करता। 9 से 10 आते हैं, बीच में वो भी मिस हो गए थे एक दो। तो ऐसे घुमा के बोलने की क्या जरूरत थी जैकी, आर यू इन लव विद मी? एक्चुअली कपिल, हम हस्बैंड वाइफ है। ये कब हुआ? शादी किया। कब? अगले साल, पिछले साल। पिछले साल शादी किया होता तो अगले साल तक कुछ तो होता। वो सब भूल गया। तुम शादी करके भूल गई मुझे? सब भूल गई। अच्छा, जैकी का ना डेट ऑफ बर्थ है 11th of August। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अच्छा, हो गया हो गया। हाँ, नहीं, निकल गया, निकल गया। बिलेटेड है ना, तो हग थोड़ी लंबी चाहिए होती है। तो 11th of August मींस टोटल 2। मेरा बर्थडे होता है 2nd April। 2 और 2 तो दुनी चार। यू नो द मीनिंग ऑफ दो दुनी चार? नहीं। यू नो द टेबल्स? 2, 4, 2 by 4, 2, 4, 6, 8, 10। हाउ यू सिंग? आई मीन, बिकॉज हम लोग का क्या है ना, हम लोगों को मैथ बड़ा कमजोर होता है, तो हम लोग ट्यून याद करते हैं। दो दुनी चार, चार दुनी आठ, ऐसे करके। तो उधर ऐसे नहीं याद करते टेबल्स? पढ़े लिखे घर के बच्चे ना, ब्रेकफास्ट मक्खन के साथ खाना, दिमाग चलता है। हमारा नहीं ना चलता है, हम साग खाता है। सिद्धार्थ, नॉर्थ में तो ऐसे करते हैं? बिल्कुल। आपके स्कूल में कैसे करते थे? दिल्ली में? दिल्ली में तो यही था, पर हम इंग्लिश में भी करते थे कभी कभी। वो करके बताओ यार, बड़ा मेरे को क्यूरियोसिटी है, कैसे करते थे? टू टू जा, मैं क्यों जाऊं? टू टू जा फोर। हाँ, फोर टू जा फोर। व्हाट फोर? आई मीन, हमसे तो बच्चे अगर टेबल सुन ले तो हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो। मेरा बड़ा हार्ट टाइट है। बट लास्ट ईयर आई वेंट टू माई स्कूल एंड माई मैथमेटिक्स टीचर वॉज स्टैंडिंग एंड ही वॉज वेटिंग फॉर मी। आई फेल्ट वेरी हैप्पी। आइए। अच्छा, सिद्धार्थ जो है ये करण जौहर को उनको अपना मेंटोर भी मानते हैं, उन्होंने इनको लॉन्च किया, तो ये अपनी हर फिल्म जो भी शुरू करते हैं उनसे जरूर डिस्कस करते हैं। तो करण सर ने जब बॉम्बे वेलवेट की थी उन्होंने आपसे डिस्कस किया था? आई थिंक किसी से नहीं किया था। फिल्म करने के बाद भी किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो? मैं खुद करण सर को पूछा, कहते हैं मुझे था इतनी नफरत होगी ना, मैंने अपने घर के सोफे ऊपर से भी वेलवेट हटा दिया मुझे। अच्छा अच्छा, आई डोंट नो, इट्स ए र्यूमर और ट्रू, जैकी जी, आर यू मैरिड? आई रिसीव्ड ए ईमेल, बेटी जैकलीन शर्मा। जैकलीन शर्मा। कहना तो फर्नांडिस चाहती थी, मेरे को स्पेलिंग नहीं आ रहे। बेटी, जब से तुमने मेरे बेटे के साथ शादी की है, सारे शहर वाले पूछ रहे हैं बहू आएगी कब। बेटी, तुम कभी तो श्रीलंका चली जाती हो, कभी अमेरिका चली जाती हो, कभी फिल्में करने चली जाती हो, अमृतसर कब आओगी? अगर तुम भूल चुकी हो तो सबूत के तौर पे मैं तुम्हें फोटो भेज रही हूँ। फोटो कहाँ है भेजी उन्होंने? फोटो दिखाएंगे जरा। शी इज तो माय मदर। मदर मदर डियर मदर। मम्मी को लोग पूछते रहते हैं बहू कहाँ बहू कहाँ, वो ये सितम नहीं झेल पा रही, छुपके बैठी हुई है। वो ना अमृतसर जा पा रही ना मुंबई आ पा रही है। मैं बहुत बिजी हूँ, सॉरी। वो बीच में पानीपत में कोई रिश्ता ढूंढ के उनके घर में छिपी हुई है। बट मम्मी, जैकी को याद है कि वी आर मैरिड? यस, शादीशुदा।
चाहे नकली सही, बड़ा मजा आता सोच सोच के। अच्छा चलो, ये तो खैर हंसी मजाक की बात है। असल में एक्चुअली जैकलीन अगर हम मेरे जैसे शादी कर भी ले तो हमारे वहां पे तो मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं बन सकता। क्यों? उनको नाम के स्पेलिंग ही नहीं आएंगे। फर्नांडिस तो बाद में आएगा, जैकलीन नहीं लिख पाएंगे वो। जैकी, आपको किसी ने इंडस्ट्री में निकनाम दिया? जैकी तो हमने सुना ही है। इनका बचपन में एक निकनेम था जो ये सुनके बहुत खुश होती थी। क्या? हाइना। हाइना? तो बचपन में बोलते थे हाइना हाइना, क्योंकि हाइना से हंसती है। अच्छा। तो ये बोलते थे तो और हंसती थी। अभी बोल के बताओ, हाइना हाइना। ये ठीक है, पहली बार देखा। थोड़ा कम किया अभी। जहां पे मुझे कोई ढंग की बात ना आई तो मैंने हाइना। सिद्धार्थ, आपने पूरी फिल्म कर ली है जैकलीन के साथ। हाँ जी। आपने इनसे पूछा बींग ए इंडियन कि श्रीलंका का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे ये इतनी खूबसूरती पाई जाती है, और ये कहाँ कौन से नारियल पीती हैं वहाँ पे? क्या इनको हम जैसी को जो प्रॉब्लम आती है वो आपको आती है? हैव यू हर्ड अबाउट बाल तोड़ के बारे में, आपने कभी सुना है? ओह गॉड, नहीं नहीं मैं। वो क्या है? बाल तोड़ होता ना, जैसे हो बाल टूट जाता है। हाँ? तो फिर जख्म हो जाता है। आपने तो नहीं सुना होगा कभी? नहीं। बाल टूटा फिर? हाँ, मतलब ऐसे बाल तोड़ वर्ग की बीमारी सुनी तो नहीं होगी कभी? नहीं, वो खूबसूरत है यार। खट्टे डकार वगैरह भी नहीं आपको बताओगे? लेकिन ये और श्रीलंका का कनेक्शन क्या है? नहीं नहीं, श्रीलंका कनेक्शन कोई बात नहीं, जस्ट बिकॉज यू आर ए ब्यूटीफुल, यू आर सुपर स्टार, हैव यू फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? ऐसे खट्टे डकार वो वाला पता नहीं। नहीं नहीं, ये खटेट कार वाला इधर होता है। I mean, सोर डगार का क्या होता है? No. Burp, burp, burp. I can burp. Sure, sure, sure. बहुत ही ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा रोमांस को इस पिक्चराइज कर रहा है कि हमारे डकार इधर इधर थोड़ी होते हैं ऐसे। इंडिया इंडिया में भांति भांति के लोग रहते हैं। हर स्टेट का अपना डकार होता है। साउथ इंडियंस का अलग होता है, पंजाब वालों का अलग होता है, राजस्थान वालों का अलग होता है। वो तो जब डकार लेते हैं अंदर से रेत भी निकलती है। होता है। ये होती है सेंसिटिव कोमल सी। इनको छींक भी आए ना तो पूरी कॉन्फ्रेंस भी चल रही हो पता नहीं चलने देती। आपने अर्चना जी को कभी स्नीज करते हुए देखा है? छींकते हुए? ये ऐसे बैठ के कर ही नहीं सकती, ये ऐसे करती हैं। मैम, मैं एक बात बताना चाहता हूँ सिद्धार्थ के बारे में। ही इज वेरी क्लेवर गाय। इन्होंने अभी दो फिल्में की ना, बड़े सुपरहिट गाने थे। लड़की कर गई चुल ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर दूसरा गाना कौन सा था? काला चश्मा जैसा है। तो उन दोनों गानों में बादशाह ने इतना अच्छा रैप किया, इन्होंने बड़ा अच्छा डांस किया। ये दो गाने करके सीख गया बंदा, अभी तीसरे में खुद ही कर रहा है। यस, बंदूक मेरी लैला। डबल रोल भी कर रहा है, रैप भी कर रहा है। मुझे तो शक है अगली फिल्म में जैकलीन का रोल भी खुद कर लेगा। तो हमें एक्चुअली और कोई मिला नहीं रैपर। तो ये रैप हमारे दर्शकों के लिए लाइव हो सकता है आज? ओह ये, कुड़ी लगे तू बरेटा की बेटी, तेनू वेखे आते खिंच गई फेटी, तेरे लिए खालू सीन ने बे गोली, फिर क्यों तो मुझको ही गोली देती, हटे नजर ना तेरे फिगर से, जाए उंगली ये सीधे ट्रिगर पे, जो निशाना ताना जाना तेरी नजरों पे, शूटर कहने लगे सब मुझे घर पे। अब कपिल जी की बारी। सेम ना भी रहा।
तेनु मुखिया से खिंच गई पेटी आ आ आ तेनु मुखिया से खिंच गई पेटी तू की दी इतनी खूबसूरत पेटी आ आ तेरे लिए खालू सीने पे गोली पहले क्यों नहीं बोली आपने तो बड़ी खूबसूरती से बोला मेरे को याद नहीं था पर मेरे मन से जो फीलिंग निकली ना मैंने बोल दी He's saying shoot me. मैं मर गया जोरदार तालियां एक बार जैकी और सिद्धार्थ के लिए आइए सर अच्छा अर्चना मैम जैकी की इंग्लिश बहुत अच्छी है और इंडिया में इतने सालों से इतना अच्छा काम कर रही है आपकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है ना हाँ जी तो आपने ये चीजें पूछनी है इनसे अच्छा कि ये है इनको दिखाना नहीं आपने इंग्लिश वाली इनको पूछना इनको हिंदी में क्या कहते हैं बिकॉज नाउ यू आर ए हिंदुस्तानी गर्ल यू आर मैरिड टू पंजाबी बॉय जैकलीन शर्मा बहुत इजी फर्स्ट जैसे अगर मैं लूं रेड चिली लाल मिर्ची वाह याची एक हिंदी टेस्ट है कि लगता है कि मैं ट्यूशन में हूं टर्मरिक हल्दी नाइस वेरी नाइस सिनेमन एक मिनट चीनी समथिंग चीनी दाल चीनी या वेरी नाइस यू गो गर्ल मैंने जैकी के हाथ की काजू करी खाई हुई है बहुत ही टेस्टी बनाई थी यू रिमेम्बर इन फरा शो यस काजू करी इतनी अच्छी बनाई है यही बनाएंगे अमीर लोग काजू करी हमारी तो नॉर्मल कड़ी होती पकौड़े वाली प्याज के पकौड़े वाली यू नो कड़ी पकौड़े वाली कौन सा कड़ी पकौड़े वाली पकौड़े नो 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 कड़ी नो पकौड़ा मेड विद पकौड़ीज इन इट यस पकौड़ा अनियन जी बड़ा वाला चाकू खच 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 हाँ फिर उसको घुमा के दूसरी तरफ से खच 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 बेसन यस मिर्ची नमक कढ़ाई सो मेनी तेल सो मेनी तेल ऐसे हर 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 ऐसे छीटे छीटे He is boiling. He is cursing. He is abusing. Angry. Why? And finally he is dead. Because he become red. बाद में निकाला एक फिर एक एक करके छह उसके बाद अगेन बेसन पुट इन द पानी हाथ मिलाना घोल के फिर हाथ को ऐसे पकौड़े उसमें तूने बड़ी बनाई है कड़ी अगेन ऑन कढ़ाई अगेन उबल रही है फिर सर्विंग पांच भाई बहन दो दो पकौड़े के लिए लड़ाई दिस इज अवर कड़ी अपनी कहानी सुना दी अपनी कड़ी यही होती है पर ये देखो अमीर लोग काजू कड़ी हाँ हमें काजू का ना हमें काजू बड़े बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुए काजू हेलो दिस इज कपिल दिस इज काजू आप पहले क्या खाते थे मूंगफली दाल रोटी हाँ एक बार केबीसी में ना मेरी मम्मी को ले गया मैं तो मैं बच्चन साहब के साथ ऐसे केबीसी खेल रहा था हम बातें कर रहे थे तो बच्चन साहब ने मेरी मम्मी को देख लिया अरे देवी जी क्या खा के पैदा किया आपने इनको मम्मी कहती पाजी दाल फुल्का ही दाल फुल्का मतलब दाल रोटी है दाल रोटी आज तो खाने की बात कर करके मुझे यही इस कुर्सी पर मार डालेगा इतनी भूख लगी है मुझे तो शक है आपने अपने काउंटर के नीचे पतीला रखा होगा आई विश सही है और ये मेज क्यों रखती नहीं तो सामने हमने रखे हुए कोई आपके भी है लेकिन सब पता है सामने क्या है इनके बड़ा वाला पतीला रहता है नीचे चूल्हा रहता है छोटा सिलेंडर जैसे मान लो इनको बहुत ज्यादा हंसी आई ना जैसे कड़ी चावल बताया ना मैंने आपको तो ये ऐसे जाएंगी हंसती हंसती ऐसे चावल के पतीले में
एक ही बार में आधा किलो चावल अंदर बस वो स्वीट आई लव यू अर्चना मैम दादू दादू ऐसे मैंने कभी नहीं किसी को मिलते देखा नॉर्मली मिला हाय हाउ आर यू ऐसे कौन ठुड्डी ऐसे तो कोई भी चीज सीधे सीधे नहीं बोल सकते हो बोलो बोलो सीधे सीधे निकल जाओ ऐसे नहीं जाऊंगी मैं गाजे बाजों के साथ जाऊंगी सीधा सीधा बोलना किसी बैंड वाले के साथ शादी करेगी वो तबले वाले का तेरे पे बड़ा क्रश है तू जब भी आती ना बड़ा प्यार से ढुक करता हो और देख कर कर जरा दोबारा हाँ दिन दिन दा दा दिन ना हाँ देखो एक तो सुबह से दादाजी मिल नहीं रहे ऊपर से तुम मेरा अरे बस डॉन बस डॉन एक तो सुबह से दादाजी मिलने रहे जैकलीन आपने मेरे दादाजी को देखा है नहीं नहीं देखा सॉरी इसके दादाजी को इसकी दादी ने नहीं देखा पहले दिन ही निकल गई थी वो जैकलीन क्यों देखेगी तुम्हारे दादा को अरे दादाजी मॉर्निंग वॉक पे गए थे अभी तक वापस नहीं आए एक काम कर अंदर किचन में जा अगर बड़ा वाला कटोरा नहीं ना हुआ तो समझना लंच करने गए बाहर देखो तुम ऐसी ऐसी बातें मत करो दादाजी के बारे में ही इज अ थरो जेंटलमैन नहीं वो डेंटलमैन है दांत में कीड़ा लग गया डॉक्टर कहते निकालना पड़ेगा कहता ना 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 इतना मुश्किल से पासपोर्ट के बड़ा किया ऐसे कैसे निकाल देंगे इधर यू बोलती है ये उधर पानीपुरी वाला ना गोलगप्पे वाला वही उसको जाके बोलती है भैया पानीपुरी की प्लेट देना और ग्लव्स मत पहनना वो हाथों का टेस्ट नहीं आता फिर मुझे दवा भी दे दो ना आगरा में मिलेगी वैसे तुम जाओगे अपने लिए दवाई लेने तो मेरे लिए भी ले आना अच्छा देख लो पुराने रिलेशन है बस उसी का ही खा रही है I love you. कब तक मैं इस आदमी के प्यार में रहूंगी अब तो मुझे बस एक जेंटलमैन मिल जाए बस इरादा क्या है सरला गुलाटी इरादा सरला गुलाटी से सरला मल्होत्रा सरला मल्होत्रा मतलब कैसे तुम्हारी माँ दोबारा शादी कर गई मेरी माँ गुलाटी बनकर खुश है मेरी कुंडली में मल्होत्रा का योग है Oh. योग नहीं को रोग लिखा होगा तुम्हारी कुंडली में अच्छा अर्चना मैम आज आप आई हैं तो मैं खोल ही देता हूँ बातें अच्छा यहाँ पे देखो आप अच्छा ये शुरू यहाँ पे देखो अच्छे अच्छे सूट पहन के आती है फिर भी आगे ना इसको मेरे को ताने देती है लड़ती है वहां पे सही थी ना ये कॉमेडी सर्कस में इतना मुकुट पहन के मूछे लगा रावण बन के आती थी इधर हम हील देते हैं पहनने को अच्छे अच्छे सूट देते हैं उधर मुछे लगा के ठीक रहती थी तुम तुम्हें क्या हो गया मैं सच बोलूंगा आज मुझे ना दादाजी को ढूंढना है वरना तुम्हें करारा जवाब जरूर देती सिर एंड जैकी मैं ना दादाजी को ढूंढ के लाती हूँ पता नहीं कहाँ भटक गए आई विल सी यू लेटर ये जेस्चर देखिए नॉर्मली होता है ना मैं आपको बाद मिलती हूँ इसका निकल ही आता है मैं जानती हूँ पर यार मैं ना हंसी मजाक तो चलो चलता रहता है लेकिन सिद्धार्थ हमने सुना कि आप काफी स्ट्रगल किया जब आप मुंबई आए हाँ जी आप काफी लोग एक एक कमरे में रहते थे हाँ जब बॉम्बे में आए थे तो सबकी तरह आप शेयर करते हैं अपार्टमेंट्स तो हमारा एक वन बेडरूम था अच्छा और उसमें हम तीन लोग रहते थे तो अच्छा वन एंड हाफ टाइप बेडरूम बनाया हुआ था तो उस हाफ में मैं रहता था बाकी वन में दो लड़के और रहते थे मैंने काफी
महीनों से पर्दे नहीं लगाए हुए थे उस कमरे में. मैं अपने दोस्तों की एक बड़ी सी पेंटिंग थी उनके कमरे में, वो लगा देता था वहाँ पे. अच्छा. और फिर जब कोई स्पेशल फीमेल गेस्ट आती थी, दोस्त मेरी, हाँ जी, तो झट से वो पेंटिंग को छुपा देती थी. अच्छा जी. तो मेरे पास ना पर्दा ना कुछ. तो ये आपकी स्ट्रगल है कि आपका एंजॉय है? अच्छा, ये गेम्स भी बड़ी अच्छी अच्छी खेलते हैं. सिद्धार्थ बास्केटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, रग्बी खेलते हैं. जैकी को घुड़सवारी का बहुत शौक है, इन्होंने क्लब ज्वाइन किया हुआ है. हाँ, यस, हॉर्स राइडिंग. हॉर्स राइडिंग करती हैं. ये सारी गेम्स वैसी हैं, मतलब अच्छा, इनमें पहले तो इन्वेस्ट करना पड़ता है. हैव यू एवर ट्राइड चिड़िया उड, कौआ उड? यस, बिकॉज देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, इवन देयर इज नो चिड़िया एंड कौआ. जैसे उंगली, कॉकरोच, कॉकरोच उड. या या, यू वांट टू प्ले? यस. ओके, जो हारा उसको डांस करना पड़ेगा. ओके, ठीक है. यस, रेडी, क्या रखो? चिड़िया उड, कौआ उड, गधा उड. वो क्या है? श्रीलंका में उड़ते हैं गधे? डंकी. इनको वो कंफ्यूजन हो गया ना, इंग्लिश में बोले. ओके ओके, स्पैरो फ्लाइंग, क्रो फ्लाइंग, डंकी फ्लाइंग. डोंकी फ्लाइंग ऊपर था ना? नहीं, उसने ऐसे टांग उठाई थी. देयर इज सम प्रॉब्लम. मुझे ज्यादा जानवरों के नाम इंग्लिश में आते नहीं है. कोई ऑडियंस में है जिसको ये गेम आता है खेलना? फटाफट बोलना कौन है. खड़े हो जाओ, शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो के ऐसे गेम खेलते हो? अच्छा, आते हैं जानवरों और पंछियों के नाम आते हैं ना? हाँ, आते हैं. आपका क्या नाम है? कुलदीप. कुलदीप नाम को तो कोई पंछी नहीं होता. हमारे साथ बैठो ताकि आपको किसे बोल रहा है. कौआ उड़, मुर्गा उड़, मच्छर उड़, पतंग उड़, बकरी उड़. नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अगर आपने मुर्गा उड़ाया, कब उड़ाया मुर्गा? बहुत जल्दी. मैं तो ये कह रहा था कि अगर तूने कुछ गलत किया, उतनी देर में इसने बोल दिया वो. कपिल, हाँ, बकरी उड़ी, बकरी उड़ी गई इधर. मैं ओके, व्हाट यू वांट मी टू डू? पोल डांसिंग. जैकलीन ने पिक्चर में एक गाने में चंद्रलेखा में पोल डांसिंग किया. जैकलीन ने बहुत अच्छा. यस, पोल मंगवाओ फिर. तुम तो मेरे भी बाप थे. ये वाला कौन सा पोल डांस होता है? चौकीदार लग रहा था. है? कौन आया मोहल्ले में? बहुत अच्छा. अरे फसा दिया तुमने यार. बहुत अच्छा. आगे से किसी बकरी में तो उड़ाना. थैंक यू कुलदीप. थैंक यू. अरे व्हाट यार, व्हाट डू यू वांट? अरे बैठे बैठे बैठे. बच्चा, तू क्या सूट क्यों पहन के आया? पहन के आएंगे, उतार के क्यों आएंगे यार? तैयार हो के आए. ताई तेरे पास कहाँ से आई? हमारे क्या ताया जी आए हुए हैं ना गांव से, तो उनके साथ ताई आई है. अरे इसी तरह बम्बई घूमना है तो घुमाने लाए ल, ये ल ताई घूम ल ताई. That's just a joke. हम क्या जोक वोक मारते रहते हैं. सच्चाई की बात यह है कि थोड़े दिन पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था ना, वो टाई हो गया था, वहां से टाई लेके आ गए. जैकलीन जी, आपसे हाथ मिलाने का मन कर रहा है. बिल्कुल मत मिलाना है, बिल्कुल मत मिलाना है. इसकी भैंस गोबर करती है, उसी हाथ से हाथ मिला रहा. हट. तो उस भाई से मिला दीजिए तो पालक पनीर करती है भाई. चल, आज तू क्या करने आया यहाँ पे? I have got ready because हमें इंटरव्यू देने जाना है. जाना दे के इधर क्या करने आया फिर? नहीं, हमारे पास इंटरव्यू है नहीं ना. क्या जाके दे? हमें पता चला यहाँ पर आप इंटरव्यू लेते हैं, आप लोग इंटरव्यू देते हैं. आपके पास कोई एक्स्ट्रा इंटरव्यू होगा तो हमें दे दीजिए. ये इंटरव्यू है कि मिठाई है कि लेके दे देगा? अरे इंटरव्यू क्या चीज है यार, आजकल तो किस लेके दे देते. क्या बात कर रहा, किस लेके कौन देता है अभी? सिद्ध जी हैं यार यहाँ पर. पिछला फिल्म में आलिया जी से किस लिया था, ये फिल्म में जैकलीन जी को दे दिया हमने. लेकिन सच में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है सर. ये जो एडवर्ट ये जाते हैं ना इंटरव्यू देने के लिए, क्या मतलब बोलना क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं है. कुछ सिखा देंगे हमको कैसे देते हैं? बायोडाटा लाया तो अपना? बायोडाटा जेब में रखते हैं सर.
अच्छा ये या आक्स मी नाम क्या है तुम्हारा अर्चना पूरन सिंह इसमें तो बच्चा लिखा हुआ है तो रीडिंग आता है तो ऐसा फालतू सवाल क्यों पूछते हो यार अरे इंटरव्यू है व्हाट अ मैन यार बताइए आपकी वीकनेस क्या है नहीं हमारा कोई वीकनेस नहीं है हमारा ताया जी का थोड़ा वीकनेस है उनको उठने में तकलीफ है उठने में नहीं घुटने में तकलीफ होगी तो घुटने में तकलीफ है तभी तो उठने में तकलीफ है यार 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 वेस्टेज बच्चा तेरा दूध का काम इतना अच्छा चल रहा है वो क्यों छोड़ रहा है ना नहीं सर आई हैव ए तबेला लेकिन क्या है दैट जॉब ना जो बहुत ही मोनोटोनियस हो गया है रोज रोज तबेले में एक ही शक्ल देख के हमारी सारी भैंसियां बोर हो गई हम जैसे ही जाते ना हमारा शक्ल देखते हम मुंह घुमा लेती है कहते हैं ना तो हम लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं सोचने के देश जो है ना इसकी अर्थव्यवस्था टोटली हम बदल दें कैसे बदलेगा मतलब अर्थव्यवस्था देखिए सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना उसमें जाते हैं आप सर देखे होंगे व्हेन यू मैन्युफैक्चर जलेबी ऐसा राउंड 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 वेरी मोनोटोनियस सेम चीज बनाते क्रिएटिविटी को यूज नहीं करता हम चेंज करेंगे शेप हम जलेबी सीधी बनाएंगे फिर लोग कहेंगे अरे वाह कितनी सीधी जलेबी है इसका रिश्ता लड्डू से कर दो ऐसा कुछ होएगा फिर हम क्या जो आमलेट है ना उसका स्पीड बढ़ाने के लिए उसमें 4G लगा देंगे आई विल टेल यू बाय अब देखे मुर्गी जो है वो वक्त पे अंडा दे देती है फिर आम लेट क्यों होता है आम लेट क्यों होता है इट हैज टू गो फास्टर हमारे पास एक और प्लान है देखिए हमारे गाड़ियां जो है पेट्रोल पे चलती है बिना पेट्रोल के गाड़ी कैसे चले उसका आधा प्लान बना लिया है हमने क्या है देखिए हमें पूरे शहर में ना ऐसे बड़े बड़े ब्रिज बनाएंगे और ब्रिज सारे ऐसे बनाएंगे तो गाड़ियां ऐसे जाएगी पेट्रोल का जरूरत ही नहीं है यार ऐसे जाएंगी तो ऐसे कैसे जाएंगी चढ़ेंगी आपको बताया ना आधा प्लान बनाया है यार सारा जिम्मेदारी हमारा है क्या यार बाकी का आधा आप बनाओ पूछो थोड़ा मैडम ये तो कुछ भी नहीं है ये सारी चीजें तो लाइफ में होती रहेगी सोच रहे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाए क्या करेगा चढ़ के दूसरे तरफ से उतर जाएंगे हमें कौन सा वहां पे पापड़ बिल ले यार व्हाट टू डू टाइम पास क्या लेकिन आपके फिल्म में जैकलिन जी हमने देखा था आपने कहा कि आपको रिक्सी लड़के पसंद है हमसे ज्यादा रिक्सी आदमी हो ही नहीं सकता लाइफ में कल हमने केला खा लिया तो इसमें क्या रिस्क है मतलब बंदर के हाथ से छीन के खा के देखे कभी यार ऐसा कूद के आपके गाल पे फचाक देगा ना बंदर का भविष्य छप जाएगा आपके गाल के ऊपर देखेगा वैसे जैकलिन जी आपकी हाँ हो जाए एक बार ना तो हम तो कहते हैं कि आप हमारे साथ 7 फेरे ले ही लीजिए बच्चा ये ज्यादा हो रहा है कम कर देते हैं 4 फेरे ले लीजिए जो एक्शन किया ना फिल्म में कर सकते हैं आप इधर भी नहीं एक्शन का क्या जरूरत एक अच्छा डांस का अच्छा वाला ये जो है स्टेप आप हमें सिखाना चाहेंगे चंद्रलेखा सीखना नया वाला ओके बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा डांसर अच्छा बच्चा ऐसे कैसे जोक जोक सुनाता है बच्चा भी जोक जोक हमारा एक ना एक पिटारा लेके घूमता है जोक्स का तो तैयार रहता है हमेशा तो हमारा जोक रेडी है कुत्ता अपना पूंछ क्यों हिलाता है क्योंकि पूंछ अगर अपना कुत्ता हिलाएगा अजीब नहीं लगेगा नहीं समझ गई इंग्लिश में समझाइए तो यू नो अ डॉग यस वैग टेल यस तो कुत्ता अपना पूंछ क्यों हिलाता है क्यों क्योंकि अगर टेल कुत्ता वैग करेगा तो अजीब नहीं लगेगा अजीब लगेगा इट विल बी फनी थैंक यू वेरी मच आपसे मिलकर बड़ा खुशी हुआ हार्दिक प्रसन्नता हुआ मिलते हैं थैंक यू दादाजी हाँ जी आपने ये काम भी शुरू कर दिया हाँ नहीं आ जाओ तुम भी किसी दिन देखने है? मतलब आदमी एक कदम बाद में रखता है इसको सवाल पहले रख देता है ये बात नहीं करने देता हे भगवान थोड़ी देर के लिए रोक ले हे
कैसे हैं? सर गुड 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 कैसे हैं कपिल जी? इधर बैठ जाइए, आप बैठिए। आइए दादा जी, आप बैठिए। कैसे हैं जी आप? ठंड लग रही है गले में आपने? मैं कह रहा हूं हेलो जैकलीन। हेलो 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 फर्नांडिस। ओ हेलो, कैसे हैं? कैसे मैंने ना आपकी फिल्म का वो गाना सुना, मुझे मैनू ला दे गोल्डन झुमका, मैं ले आया। आपको ढूंढ रही है, आप कहाँ से आ रहे हो? ठंड नहीं लग रही है आपको? टाइट करके बांध दिया आपको, ठंड लग रही होगी। कहाँ से आ रहे हो आप? क्या खोल दे वरना है? बस सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैं एक्चुअली वो नहीं, मैं कहा बांध दूं गर्दन गिरना जाए। तू इधर ही बैठ जा, वो तो ठीक है। मैं उधर ठीक हूं। जैकी ये हाँ। बताया ना मैंने इनके दादाजी ने, मैक्सिमम 3-4 मिनट आपको डिस्टर्ब करेंगे, उसके बाद इनकी एग्जिट है। अच्छा मतलब मेरे बारे में जैकलीन को तू बताएगा है? ये तो यही बात हो गई जैसे अर्चना को कोई दूसरा बता रहा है कि जेंट्स रेजर कौन सा अच्छा होता है। दादाजी अर्चना जी का पता है ना आपको? मेरे को पता है, मूड में रहती है जब, लेकिन गाड़ी से आती है तो एटीट्यूड में रहती है। लेकिन लेकिन वी आर कॉलेज फ्रेंड। आई अर्चू, हेलो। तो हम दोनों तो दोस्त हैं वैसे यार। उनको देख के मेरे को याद आया, जैकलीन आपको बड़े दिनों बाद देखा है। आपको जब मैंने देखा था ना पहली बार, श्रीलंका इतना सा था। श्रीलंका इतना सा नहीं, जैकी इतनी सी होगी, इतनी सी मतलब छोटी होगी। तू बोले पहले, मैंने मैप में देखा था, इतना सही था। इतना सही था। छोटा है। छोटा है। बहुत छोटा। दादाजी फिर ध्यान से बात करो, जैकलीन को जूडो आती है। तो मेरे को लूडो आती है। इसमें क्या होता है यार? लूडो और जूडो में फर्क होता है आपको पता? क्या फर्क होता है? 99 पे आके सांप ऐसा काटता है ना, नीचे आना ही पड़ता है। कितनी तगड़ी लूडो आती है, समझ गए? I'm sorry if you don't mind. Pressure बन गया। Oh God! मैं तो हल्के हल्के आता हूँ। Good luck आपकी मूवी के लिए, ठीक है? मैं अभी बोलता हूँ आपसे। ठीक है? Good luck. Okay, bye. 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 यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, इनके कुछ सवाल हैं। जी, सबसे पहले कौन माइक इनवाइट करना चाहेंगे अपनी तरफ? हाय कपिल सर। हेलो। हाय जैकलीन मैम। हेलो। हाय सुधा सर। हेलो। मेरा क्वेश्चन जैकलीन मैम से है। करके देखो तुम, फिर मैं बताता हूं। पुलिस ने ना बुला लिया जैकी को, कुछ कहा था। अभी रिसेंटली मैंने टीवी पे आपके प्रोमोस देखे, जिसमें मैंने देखा कि आपको रिस्की वॉइस बहुत पसंद है, तो मुझे ये कहना था मैं भी थोड़ा रिस्की हूँ। ओके, क्या बात है? आपने आपको अगर मालूम नहीं रहेगा तो मैं ट्रेन में ना बिना टिकट भी चले जाता हूँ। वो बहुत रिस्की है। व्हाट एन अचीवमेंट। अच्छा वो छोड़ो, हाँ मैं तो है ना बाइक भी चलाता हूँ ना हाथ छोड़ के चलाता हूँ। तो फिर पागल हुए ना? रिस्की कहाँ से हुए? मतलब आप अगर बोलेंगे ना तो मैं झाड़ पे भी चढ़ जाऊंगा। क्यों आपको झाड़ पे चढ़ाएंगे भी? उनको रिस्की बॉयज पसंद है ना? हाँ तो क्या चाहिए? ये कैसे? ओ आप जैकलीन के लिए क्या कर सकते हैं अभी खड़े खड़े इसी मोमेंट पे? बाद में मुझे पता नहीं है। मैं उनके साथ डांस कर सकता? नहीं, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। ये एंजॉय नहीं करना है। आप जंप सकते हैं उधर से? कहाँ से? कर सकता हूँ। कर सकते? अरे नहीं करूँ पक्का। वो जंप करना नहीं, वो गिरना होता है भाई। गिरना भी नहीं, मरना ही होता है तकरीबन। आ जाओ फिर। आपका नाम क्या है? सुजीत। सुजीत? सुजीत अभी नहीं हो, सूजोगे तो आप बाद में जब गिरोगे ना। सुजीत। सुजीत सुजीत सीरियसली मतलब चोट लगेगी आपको? किराए की बात अलग है, लेकिन मैम तो है ना। और कुछ करके दिखा दो उनको इंप्रेस करने के लिए। फ्रॉग जंपिंग। फ्रॉग जंपिंग ऐसे आपको बैठना है, तो सपोज करना है कि आपके पास चेयर है, ठीक है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरे एड़ियां भी ऐसे पूरी रखो, ऐसे बैठना है आपको जैसे एक स्क्वाट। हाँ बैठ रहो। बैठ रहे, बैठ रहे, बैठ रहे। म्यूजिक की जरूरत कोई नहीं, बैठ रहो आप। और कोई मेरे दोस्त? नहीं नहीं आप क्यों खड़े हो गए?
आपने बैठे रहना है, पूरा नहीं लगना, और थोड़ा सा डाउन होइए अभी, ठीक है? तो आप बैठे रहिए, हम तक जब तक दूसरे दर्शकों से बातें कर लेते हैं। पहले किस कर करो करो अभी ऐसे करके ना हैं, अभी ये करो, हो गई, पूरा पूरा नीचे बैठ के। इम्प्रेस्ड इम्प्रेस्ड, मैं इम्प्रेस्ड हूँ, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। चलो अच्छा, एक ये चीज करो, ये बड़ी इजी है, बच्चों वाली है, ऐसा करके बताओ यार, कूदने चले थे मैं तो, फिर भी इजी इजी बात बता रहा हूँ, हैं, फटाफट करनी है, ऐसे ऐसे, ठीक है? So sweet यार, thank you, thank you. थैंक यू, थैंक यू, आप बहुत रिस्की हो। थैंक यू सुजीत जी। और कोई हमारे दोस्त? यस प्लीज। सिद्धार्थ सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और सर आप पे काला चश्मा सूट करता है, पर मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं मुझ पे भी सूट करता है, सो कैन आई डांस विथ यू सर प्लीज? मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं मेरे पे भी काला सूट करता है। आप भी कर लो, काला चश्मा लाइए आप। यस, थैंक यू मीनल, आइए। थैंक यू मीनल सर, थैंक यू, सुपर्ब, आपने बहुत अच्छा डांस किया। और कोई हमारे दोस्त? जी यस मोनिका, क्यों हंसी आप? मोनिका नहीं आपका नाम? नहीं सर, जय श्री, जय श्री राम। हाय सर, Hello, hello Jacqueline ma'am. Hello, hello. I'm big fan of yours, oh. And I'm coming from Gujarat. Wow. So मैंने आपके लिए आपका जो most popular song है जो चिटिया कलाइया अभी थोड़ी देर पहले ही चला था, उसका मैंने version गुजराती में छोटा सा बनाया है आपके लिए। कैसे कैसे? सुनाइए। जयश्री। Most welcome ma'am. तू लाइने आप मने golden झुमका हूँ पहनू का। तू लेने गोल्डन लॉपर मैंने झुमका हूँ पैरों कान चूमी 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 ने, तू लेने गोल्डन झुमका हूँ पैरों कान चूमी 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 ने, मानी जाने मने तू शॉपिंग कराई दे, मानी जाने मने तू पिक्चर दिखाड़ी दे, रिक्वेस्ट करूँ छूरे घर घर कलाइया में, अभी भी मानी घर घर कलाइया में लास्ट में आके राइमिंग खराब हो गई ना, चिट्टियां कलाइयां में तेरे हिस्से आईयां में पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्ट पाइया छू मैं रिक्वेस्ट करू छू 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 छू। थैंक यू मोनिका, थैंक यू जयश्री जी, थैंक यू सो मच सर। अच्छा फिल्म में इन्होंने काफी गन चलाई है, तो इनका निशाना चेक करने के लिए हमने एक निशानेबाज को बुलाया है। आपको रिंग डालना है, इतने रिंग एक्चुअली ज्यादा बड़े हैं, तो जैकी आप दोनों को ट्राई करना है वन बाय वन। ये एरिया आपका है, ये एरिया सिद्धार्थ का है। क्या मिलेगा इधर डाला तो? ये आपका आदमी। ओके। एक डिस्टेंस रखो, डिस्टेंस डिस्टेंस से, ए यहाँ से जैकी। कम जैकी। हाँ, ए ये है आपका मार्क। ओके रेडी, चलो जिनके ज्यादा रेडी, ग्रीन आपका है रेड उनका है। दो दो से बराबरी चल रही है।
पता नहीं चला किसने कितने डाले। टाई हो गया? टाई हो गया, मैं जीती। टाई हो गया, अब आप टॉयलेट जा सकते हैं। तो आज ये दोनों के बीच में मैच टाई हो गया है, तो ये जेंटलमैन जो मूवी है वो इस स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ, जैकी, हम लोग अपने जितने भी दर्शक आते हैं, जो मेहमान आते हैं, उनको अपनी तरफ से खूबसूरत सा मोबाइल फोन देते हैं। अगर आप डिसाइड करें, आपको अगर याद है कि किसने आपको ज्यादा एंटरटेन किया या आपको कौन मजेदार लगा, हमारे दर्शक भी डिसाइड कर सकते हैं। कौन? ओल्ड आन, ओल्ड आन, वो जो हमारे पहले वाले वो थे, मतलब मैं रखूं? पक्का? हाँ। हु? एक डांस और करना पड़ेगा कोई। सुजीत भी बहुत अच्छा सुजीत। और कौन से गाना, गाना कौन सा होगा? तीन गुना है आप भी। या तो ये बजाएं फास्ट म्यूजिक, कोई कॉन्फिडेंस देखो। क्या बजा सकते हो? ऐसे चेक कराओ, अभी रोमांटिक गाना बजाएंगे। रोमांटिक गाना, रोमांटिक गाना बजाना है। मैं जैकी के लिए गाऊंगा क्योंकि तुम ही हो, पर आपने फास्ट करना उस पे। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। और फास्ट, और फास्ट। हर लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस बिना तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, आग की अब तुम ही हो, ओ चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी, आशिकी अब तुम ही हो। चिटी कलाइयां, come on, come on, come on, come on, चिटी कलाइयां, बस यार जिंदगी नहीं रहेगी तो फोन क्या करना है। हाँ मेरे भाई जैकी, ये आपके फैन के लिए बहुत नाचे हैं, ये कपड़े खुल गए हैं। ये होता है कि दिल खोल के, पैंट खोल के डांस करना, बहुत इन्होंने। एक बार सिद्धार्थ और जैकी के लिए जोरदार तालियां। आप दोनों को ढेर सारी मुबारकबाद, ऑल दी वेरी बेस्ट पाजी फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।